नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां हनुमना जनपद पंचायत की अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने से क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। गौरतलब है कि कल्पना सिंह हनुमना जनपद की अध्यक्ष हैं, जिनके जीजा जो कि जनपद पंचायत हनुमना कार्यालय में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हैं, उनके द्वारा बगैर जीएसटी नंबर के फर्जी फॉर्म बनाकर फर्जी बिल छपवाकर फर्जी टेंडर से भुगतान करने सहित भ्रष्टाचार के अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि विंध भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जयलेंद्र सिंह बन्ना ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष हनुमना जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़े से संबंधित तमाम दस्तावेज दिखाते हुए ये आरोप लगाए हैं कि विंध भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जयलेंद्र सिंह बन्ना ने क्षेत्रीय विधायक से जनपद अध्यक्ष की साठगांठ होने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रशासनिक मत, पंच परमेश्वर योजना, मनरेगा सहित पीएम आवास एवं निराश्रित पेंशन योजना में भी करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान करने के सप्रमाण आरोप लगाए हैं। जयलेंद्र सिंह बन्ना ने निष्पक्ष जांच न होने पर बिंद भगवा मंच के द्वारा मजबूती से लड़ाई लड़ने एवं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का संकल्प लिया है। अब देखना यह होगा कि हनुमना जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विराम लगता है या नहीं। ये नोटिस चस्पा करवाने के बाद अतिक्रमण नहीं हटता, तो ये सब चीजें हैं। विधायक जी को तो खैर सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रचंडता से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसेंगे। ये हम सबका एक संकल्प है, हर मुद्दे पे लड़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।